जिला अंतर्गत फूलपुर कोतवाली क्षेत्र में रहने वाली मीनाक्षी यादव की बीती रात संदिग्ध परिस्थितियों में जल जाने से मौत हो गई। मीनाक्षी की शादी अभी एक साल पूर्व ही हुई थी। मायके वालों का आरोप है कि मीनाक्षी की हत्या उसके ससुराल वालों ने की है। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली मीनाक्षी यादव की शादी देवगांव कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले राकेश यादव के साथ हुई थी। 29 अप्रैल 2017 को मीनाक्षी के पिता मोतीलाल ने जब अपनी बेटी की शादी राकेश यादव के साथ की तो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि साल भर के बाद उनकी यह गुड़िया इस दुनिया से विदा हो जाएगी। दरअसल मीनाक्षी के घर वालों के मुताबिक बीती रात जब मीनाक्षी घर के कुछ काम में व्यस्त थी तो उसके ससुर अपने बेटे से फ़ोन पर बात कर रहे थे कि अब वह दूसरी लड़की से उसकी शादी कराएंगे। इस बात को मीनाक्षी द्वारा अपनी माँ से फ़ोन पर बता दिया गया था, लेकिन सुबह जब तक लोग आते उसके पहले ही मीनाक्षी के ससुराल वालों के यहाँ से फ़ोन जा चुका था कि मीनाक्षी अब इस दुनिया में नहीं रही। मीनाक्षी के मायके वालों का आरोप है कि हो न हो मीनाक्षी की हत्या दहेज के लिए की गई है, उसे जलाकर मारा गया है। हमको सुबह मिली है और ये घटना रात में घटी और सुबह जो है फ़ोन द्वारा जानकारी मिली, वो भी उनके घर वाले फ़ोन नहीं किए, बाहरी कोई फ़ोन किया, हम लोग को मालूम हुआ, फिर हम लोग वहाँ गए। हमको यही जानकारी मिली कि वो जल गई है, तो फिर बाद में हम लोग वहाँ से घर से चले और उनके यहाँ गए तो घटना स्थल पे पहुँचे, देखे इस बार हो गई थी। इनके ससुर जी जैसे ऐसा यही सुनने में आया कि फ़ोन पे वो बात कर रहे थे अपने लड़के से कि अभी जो है इस लड़की को नहीं लाएंगे, तुम्हारी दूसरी शादी करवा देंगे। अब इसके आगे क्या, फिर रात में वो लोग बात किए, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लड़की शायद एक बार फ़ोन की थी अपने माँ के पास, नहीं लग तो यही रहा है कि वही लोग जलाए हैं, अपने से तो नहीं जली है। कितने साल शादी को हो गया था? अभी एक साल हुआ है, अगले अप्रैल में शादी हुई है 17 को। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक नगर सुभाष चंद्र गंगवार ने बताया कि मीनाक्षी के परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस मुकदमा पंजीकृत कर रही है और आगे की कार्रवाई कर जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करते हुए उसे न्यायिक धाराओं के तहत जेल भेजा जाएगा। हाँ, एक देवगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत अभी एक सूचना प्राप्त हुई है जिसमें एक महिला जल के मर गई है, उसमें एक साल उसको शादी को हुए हैं। परिजनों की तरफ से FIR अभी दी जा रही है, उसमें मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।